मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस एमएस पेंट के बारे में है। आप इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग एमएस पेंट जो पूरी पेंट की ड्राइंग जो होती है कैसे बनाते हैं, हम लोग सारे कमांड के बारे में सीखेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम पेंट की थोड़ी सी डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि भाई पेंट की डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए, एमएस पेंट एक ड्राइंग पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में अपने नोटपैड वर्डपैड के बारे में सीखा था कि नोटपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से एमएस पेंट जो होता है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, आप फंडामेंटल की वीडियो जाके देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब सारे चीज़ें आपको पता चल जाएगा। इसमें देखिए क्या काम होता है, इसमें हम लोग ड्राइंग बनाने का काम करते हैं। आगे देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, या जब भी हम अपने कंप्यूटर में एक्सपी, विंडो 7 या विंडो 8 या 10, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं उसके साथ आपको फ्री में मिलता है। फ्री में मिलने का मतलब ये होता है आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से लोड होते हैं, प्रीलोडेड होते हैं। एमएस पेंट के अंतर्गत बनने वाली फाइल अनटाइटल होती है। यानी जो भी आप इसमें जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी पेंट करते हैं, जो भी आप डिजाइन अपने तरीके से बनाते हैं, जब तक वो नाम नहीं सेव होता है वो क्या कहलाता है, अनटाइटल होता है। जैसे कि अभी आपने पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था, तो एमएस वर्ड में क्या होता था, जो भी फाइल आप बनाते थे वो डॉक्यूमेंट फाइल होती थी। इसी तरीके से एमएस पेंट में क्या होता है, यह अनटाइटल होता है। और इसमें जो फाइल होता है इसका एक्सटेंशन नेम .bmp, bmp का पूरा मतलब होता है बीट मैप। बीट मैप किसे कहते हैं, एक इमेज की फाइल को। जो भी आप इसमें इमेज आप लेते हैं, इमेज बनाते हैं, ठीक है, वो bmp होती है, बीट मैप फाइल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड भी यूज एमएस पेंट। एमएस पेंट का यूज हम किस लिए करते हैं इसके बारे में देखिए। एमएस पेंट का यूज हम बिटमैप फाइल को बनाने और सुधार करने के लिए करते हैं। यानी जो भी आप इसमें इमेज बनाते हैं उसमें आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। आगे देखिए, पेंट का यूज किसी भी प्रकार के ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए करते हैं। यानी आप इसमें किसी भी प्रकार के ड्राइंग, यानी कि डिजाइन आप ड्राइंग यानी कलर बनाने वाले को आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको स्टार्ट करना, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। ये भी आपका देखिए, स्टार्ट बटन, आल प्रोग्राम, एसेसरीज, पेंट और लेफ्ट क्लिक करेंगे। फिर दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन प्लस आर, यानी कि आर करेंगे, रन का डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें टाइप करेंगे एमएस पेंट, ओपन कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। चलिए इसको अब स्टार्ट करना देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो आपका जैसे ये आपका हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए, तो डेस्कटॉप पे देखिए सबसे जो नीचे पट्टी बनी हुई है इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं, और टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर आल प्रोग्राम पे क्लिक किया, आल प्रोग्राम पे हम लोग जाएंगे एसेसरीज पे, और यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे पेंट को। देखिए लिखा हुआ है पेंट, क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपके सामने पेंट ओपन हो चुका, ये आपका पेंट होता है। तो पेंट बहुत ईजी होता है पेंट बनाना। इसमें अभी हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे सारे चीज़ें कैसे इसमें इमेज में आप पेंट बना सकते हैं इजीली तरीके से। तो देखिए अब ये पहले तरीके, मैं इसको बंद करता हूँ। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, विंडो बटन प्लस आर, ओपन किया, यहाँ पे आप ओपन में हम लोग लिखेंगे एमएस पेंट। यहाँ पे स्पेलिंग का बहुत हेर फेर है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा MSPAINT करते क्या है, बहुत सारे बच्चे एम एस पेंट के बीच में स्पेस दे देते हैं, तो ये चीज़ें आप गलती नहीं करेंगे। देखिए एम एस पेंट लिखेंगे और ओके कर देंगे, ओके करते ही आपके सामने देखिए पेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे गलती करते हैं, जो एक बार मैं पेंट करिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एम एस पेंट में क्या है, अब मैंने स्पेस दे दिया, तो एम एस पेंट में स्पेस दे देंगे। अब देखिए क्या करा है, विंडोज कैन नॉट फाइंड, यानी कि एम एस पेंट के नाम से एक पेंट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरे स्पेस नहीं देना है, एक ही में लिखना है एमएस पेंट, तब आपके सामने स्क्रीन पे आपका पेंट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अब एलिमेंट की बात करते हैं, सारे एलिमेंट देख लेते हैं। तो आपके विंडो के सामने देखिए इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे एलिमेंट। देखिए सबसे ऊपरी जो पट्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये टाइटल बार होता है, ठीक है, इसको आप टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अब देखिए
दूसरी चीज है ये आपका, देखिए लेफ्ट साइड में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल बॉक्स। उसके बाद राइट साइड में कंट्रोल प्लेट। कंट्रोल प्लेट में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल बॉक्स के शॉर्टकट की आपको पता ही है, आल्ट प्लस स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका ओपन हो जाएगा कंट्रोल बॉक्स। उसके जस्ट जो ये पट्टी है आपको दिख रही है, इसको हम लोग मीनू के नाम से जानते हैं, मीनू बार। ये होता है मीनू बार में आपका होता है, ये देखिए ये जो है फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होता है पेंट बटन भी होता है, ठीक है, इसे हम पेंट बटन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए इस जो आपका पूरा रेड कलर का है, पूरा राउंड बनाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। जैसे आपने पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने, ये प्रत्येक आपके जो भी होते हैं ये मीनू होते हैं, चाहे होम हो या व्यू हो, प्रत्येक मीनू के प्रत्येक रिबन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब छोटी सी एक एरो बनती है, प्रैक्टिकल में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आप चाहते हैं जो भी, देखिए ये बाय डिफॉल्ट रूप से सेप, अंडो और रीडो ये सेट है, तो आप अगर कोई और भी बटन आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे टाइटल बार पे, तो आप यहाँ से कोई भी बटन लगा सकते हैं। देखिए मैंने ओपन का लगा दिया, और भी कोई लगाना, प्रिंट का भी लगा दिया। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये बटन लगा सकते हैं और यहाँ पे इजीली आप सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए आगे क्या है हमारा जो भी है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है, स्टेटस बार, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका स्टेटस बार, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जूम लेवल, ये स्टेटस बार, ये आपका पूरा ड्राइंग एरिया, जिसको हम लोग पेंट में ड्राइंग एरिया के नाम से भी जानते हैं। वर्किंग एरिया, ड्राइंग एरिया सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्राइंग एरिया के नाम से भी जानते हैं, और या पेंट एरिया के नाम से भी, और हम लोग वर्किंग एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस पर थोड़ा सा डिजाइन बनाना। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन बनाने के लिए करेंगे क्या, अब देखिए अभी यहाँ पे पहले तो हम लोग आपको सभी मीनू के बारे में बता दिया, ये होम मीनू है, व्यू मीनू, और इसको हम लोग बोलते हैं पेंट बटन। पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे कमांड आपको मिल जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ठीक है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट, एग्जिट। तो इसमें आपको मैंने वर्ड पैड में बता दिया था, न्यू, ओपन, सेव, सेव, सारे चीज़ कमांड बता दिया था मैंने वैसे। लेकिन चलिए एक थोड़ा सा जल्दी में हम लोग इसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, समझते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कभी जब भी ओपन करेंगे तो आपको डिजाइन बनाना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी से डिजाइन बना लेता हूँ, आगे हम लोग सीखेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए होम पे जाएंगे, होम पे देखिए ये सब सारे चीज़ें जो हैं टूल्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, कोई सा एक शेप ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे शेप ले लिया, दो तीन शेप ले लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने जल्दी से आपको एक शेप लेकर बनाने के लिए दिखाया, एक शेप हमने लेकर यहाँ पे जल्दी से हमने बना लिया। अभी हम आपको अभी बताएंगे सारे चीज़ आपको बनाना, इसमें कलर फिल करना। लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते थे वर्ड पैड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है, एक जल्दी से शॉर्ट में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग अब करेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। सबसे पहले हमें आपको पता है कि जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है, सेव करना होता है। तो हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हमें पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, सेव पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, इसकी शॉर्टकट कीज होती है सेव। इसको आप सेव कहाँ पे करना चाहते हैं, कौन से जगह पे, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, यानी लोकेशन क्या, एक विंडो ओपन हो गया सेव एज के नाम से, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। देखिए अनटाइटल, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका जो होता है अनटाइटल के नाम से हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे पहले तो हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं अनटाइटल। अब इसको हम लोग सेट करते हैं किसी के नाम से, तो मैं जैसे सेट कर लेता हूँ गीता के नाम से, ठीक है, गीता इमेज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। देखिए ये आपका टाइटल बार पे देखिए लिख दिया ना, अनटाइटल हट गया, लिख दिया गीता इमेज, ये गीता इमेज के नाम से क्या है, सेट है। अब देखिए डेस्कटॉप पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इमेज के रूप में, ये चीज़ सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो मैं पूरा पेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए पेंट को मैं क्लोज कर, देखिए ये आपका गीता के नाम से आ गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका इमेज आपका इस तरीके से ओपन हो गया। देखिए ये आपका इमेज रेडी में ओपन हो रहा है, देखिए ये आपका ओपन हो गया, ठीक है।
अब करना क्या है, इसको मैं ओपन करता हूँ फिर से। ओपन करने के लिए हम यहाँ पे पेंट में ओपन करते हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास इमेज आ गया। अब इसको हम लोग न्यू, यानी न्यू का मतलब एक नया पेज, हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हट जाए और एक नया पेज आ जाए। तो नया पेज के लिए हम एक नया पेज ले लेंगे न्यू पे प्रेस करके, या शॉर्टकट की कंट्रोल एन से कर लेते हैं। हम फिर चाहते हैं कि पुराना ओपन करते हैं जो हमने सेव किया था गीता के नाम से। तो ओपन में जाएंगे, अब हम डेस्कटॉप पे लोकेशन चूज कर लेंगे और गीता के नाम से सेट किया था, देखिए ये गीता के नाम से दिख रहा है, ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये सेट आपका दिख गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेव, आपने बता दिया, हमने आपको न्यू ओपन सेव तीनों बता दिया। सेव एज यानी लोकेशन चेंज करना, आप किस लोकेशन पे चेंज करना चाहते हैं। देखिए तो मैं इसको सेव एज करके लोकेशन चेंज कर लेता हूँ किसी और लोकेशन में, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ नाम, सीमा के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब सीमा के नाम से हमने सेव कर लिया, कहाँ पे, आपका डॉक्यूमेंट में। तो मैं दोनों क्लोज करता हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक आपका गीता के नाम से डेस्कटॉप पे है, और एक डॉक्यूमेंट में आपको मिलेंगे सीमा के नाम से। मैं यहाँ पे सीमा के नाम से सर्च करता हूँ। ठीक है, देखिए सीमा इमेज के नाम से आपका आ गया। तो इस तरीके से इसको भी डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग ओपन नहीं करेंगे, आपको बता दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत लंबी बने। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं फिर से, फिर पेंट को ओपन करते हैं। पेंट बटन पे जाते हैं, अब आता है प्रिंट। तो प्रिंट के लिए यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रिंट देना, अगर उसको प्रिंट भी देना चाहते हैं तो प्रिंट दे सकते हैं आसानी से। तो मैं सबसे पहले तो पुरानी वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, जो हमने पुरानी फाइल बनाई थी उसी को ओपन कर लिया। अब इसको प्रिंट देना है, तो प्रिंट यानी प्रिंट का मतलब क्या है कि प्रिंटर से हमें इसको छापना है। तो प्रिंटर से छापने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंटर पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक हमारे पास एक बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि कितने नंबर पेपर को निकालना है, कितना पेज निकालना है, ठीक है, और कौन सा प्रिंटर सेट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ प्रिंटर लगा होगा वो प्रिंटर सेट रहेगा, और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट होके निकल आएगा। अब इसी में मैं देखिए दूसरा है पेज सेटअप, पेज की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आपको मैंने सबसे पहले बताया था, पेज जब भी प्रिंट देंगे तो प्रिंट देने से पहले आपको पेज की सेटिंग करना कंपलसरी होता है। जब तक आप पेज की सेटिंग नहीं करेंगे तो प्रिंटर पे सही तरीके से प्रिंट नहीं होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो साइज, हम लोग साइज आपको मैंने बताया था कि जब भी आप मार्केट का जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पे A4 की साइज चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे सोर्स में ऑटोमेटिक सोर्स, यहाँ पे ओरिएशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप में रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा पेज की जो सेटिंग हो चुकी है, अब हम जब भी प्रिंट देंगे तो ये A4 की साइज में ही प्रिंट होकर निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो आता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए A4 की साइज के पेपर पे इस तरीके से प्रिंट होकर दिखेगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे आपका होता है फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा। ठीक है, ये आपका हाईलाइट नहीं है, क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमारे अभी कंप्यूटर से कोई भी स्कैनर जुड़ा नहीं है। स्कैनर जुड़ने का मतलब क्या होता है कि आप देखिए कोई आपका कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है, आप पेंट में क्या करना चाहते हैं, उसको स्कैन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो आपको कैसे लाएंगे, आपके पास जब तक आपके पास कोई कैमरा जुड़ा ना हो, ठीक है, या कोई आपका स्कैनर जुड़ा ना हो, तब तक वो शो नहीं करेगा। तो आपका जैसे आपका कोई कैमरा आपका या स्कैनर जुड़ गया तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक करेंगे उसमें इमेज या कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे, क्लिक करते वो स्कैन होकर आपके पेंट में आ जाएगा। सेंड इन ईमेल की बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसी इमेज जो हमने अब बनाया था डायरेक्ट आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेंड इन ईमेल यहाँ से ईमेल करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ से अगर इमेज को यूज करना है तो हमें एक अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटलुक बोलते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंटरनेट हमेशा चालू रहना चाहिए तभी आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट के लिए सबसे ईजी तरीका होता है हम जीमेल का यूज करते हैं, रेडिव का यूज करते हैं, वहाँ से हम किसी को भी इमेज ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड,
यानी कि आपने जो इमेज बनाया है इसको आप डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। देखिए ये डेस्कटॉप पे हमारा विंडोज की एक वॉलपेपर लगा हुआ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने डिजाइन बनाया था इसी को सेट करना चाहते हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे करना है। इसमें देखिए तीन बटन है, फिल फिल का मतलब होता है कि जो आपने बनाया था ये पूरे डेस्कटॉप पे फिल हो जाएगा। टाइल में क्या होगा, ये छोटे छोटे बॉक्स के रूप में छोटे छोटे टाइल में आ जाएंगे, सेंटर में ये पूरे बीचों बीच में आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखिए मैं फिल पे क्लिक किया, अब देखिए आपका ओके कर दिए, अब देखिए ये आपका पूरे डेस्कटॉप पे सेट हो गया। ठीक है, देखिए मैं हट गया, इसको क्लोज कर दिया मैंने मिनिमाइज, देखिए आपका सेट हो गया। अब मैं फिर इसी को करता हूँ टाइल में, टाइल पे क्लिक कर दिया मैंने, अब देखिए ये आपका जो है, देखिए अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक ही में, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है। क्यों इसलिए नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यह इमेज की साइज बड़ी है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटे कर लेता हूँ, ठीक है, छोटे करने के बाद अभी आपको दिखाई दे देगा। इसको मैं छोटा कर लिया, टाइल पे क्लिक करते हैं, अब देखिए इसको मिनिमाइज करते हैं आपका, अब देखिए मैंने इसको इमेज को छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद हमने टाइल पे कर लिया। देखिए छोटे छोटे सारी इमेज पूरे टाइल के रूप में सेट हो गया। अब देखिए अब मैं इसका यूज करता हूँ नेक्स्ट। अब आपका जो है यूज में क्या है करना है, अब आपको सेंटर पे करना चाहते हैं, सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेट डेस्कटॉप पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे और ये आपका ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से मिनिमाइज करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा सेट हुआ। देखिए ये सेंटर में सेट हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप कोई भी अपना इमेज भी आप एडिट करके लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं आप। अब की बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही आपके क्या होगा, ये इमेज की प्रॉपर्टीज की बता रहा है कि भाई ये कब किस डेट में बना था, इसकी साइज क्या है, ठीक है, इसकी रेजुलेशन क्या है, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, यानी कि एक इंच में कितने डॉट हैं, ठीक है, यानी एक इंच में आपका ये 96 डॉट पे सेट है। ये आपका यूनिट और कलर की बात कर रहा है, तो ये पिक्सल में दिखा रहा है और कलर है आपका, यानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कलर में है। कलर में क्योंकि देखिए कलर में दिख रहा है ना, कई सारे कलर में। यहाँ पे इसकी साइज सेट कर सकते हैं, विड्थ में आपका 1280 है, हाइट 1955 है, ठीक है, ये डिफॉल्ट रूप से सेट है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टीज आपका दिखा रहा है। अबाउट यहाँ पेंट पे चेक कर सकते हैं, ये पेंट की पूरी बता रहा है कि भाई कौन सा वर्जन का है, इसके लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है, सारे चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके करके एग्जिट है, एग्जिट पे करेंगे ये आपका पेंट का विंडो बंद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेनू पे। तो मेनू में देखिए होम मेनू और व्यू मेनू, दो मेनू आपके सामने होते हैं। तो होम मेनू पे देखिए ग्रुप, आपको मैंने पिछली बार बताया था कि हर एक आपका जितने भी एप्लीकेशन होते हैं तो मेनू होते हैं, तो मेनू के अंतर्गत ग्रुप होता है, ग्रुप के अंतर्गत कमांड होते हैं और कमांड के अंतर्गत होते हैं सब कमांड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग होम मेनू से शुरू करते हैं। होम मेनू में देखिए कितने ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, उसके बाद कलर, यानी कि ये आपके पांच ग्रुप हैं और सभी ग्रुप में आपके कमांड है। देखिए क्लिपबोर्ड में आपके कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन आपके दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कट कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक इमेज लाना पड़ेगा। तो इमेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ओ से क्लिक करते हैं और कोई एक इमेज यहाँ से लेकर आते हैं। मैं वो जो बनाया था इमेज उसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन किया हमने, ये देखिए हमारे सामने ओपन हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये स्टार को हम हटाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, हटा कर कहीं और रखना चाहते हैं, तो इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलेक्ट करने के लिए इमेज पे आना पड़ेगा, इमेज पे देखिए सेलेक्टर दिखा हुआ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यहाँ पे कोई भी दोनों एक आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करके आप माउस से ट्रैक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे कट कर दीजिए, देखिए ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी रखना चाहते हैं, मैं यहीं पे रख लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, देखिए आ गया। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से कट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी एक बार करके दिखा देता हूँ, कॉपी कर दिया मैं, इसकी पेस्ट करूँगा, देखिए इसकी दूसरी कॉपी आपकी बन के तैयार हो गई, ठीक है। देखिए इस तरीके से
एक और पिक पेस्ट करेंगे तो आपके देखिए तीसरी कॉपी बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से हमारे कई सारे कॉपियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, यानी कट कॉपी पेस्ट का यूज हम लोग जैसे पिछली वीडियो में हमने इसे इजीली सीखा था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको इसको बनाना है, किस तरीके से यूज में लाना है, ठीक है। आप अपने तरीके से कोई इमेज लीजिए, बनाइए उसको। मैं बस यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट कॉपी पेस्ट तीनों बता दिया, सिलेक्शन में भी मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होगा, एक आयताकार से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस आयताकार के रूप में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन से क्या मतलब हुआ कि आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए मैं माउस से इस तरीके से, मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आप इमेज की कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा या कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लूँगा। देखिए आपका सेम उतना क्या हो गया, कट कॉपी होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये लाइन बन गया, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको आप हटाना चाहते हैं इनवर्ट सिलेक्शन से, आप पूरा हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ें आपका जो होता है बहुत इजी तरीके से सिलेक्शन, यानी आप इसमें आप माउस से सिलेक्शन, ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब देखिए क्रॉप की बात आती है, क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप के लिए मैं देखिए मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कोई एक इमेज की चीज़ें लेकर आता हूँ। यहाँ पे देखिए किसी का कोई इमेज पड़ा हो तो मैं लेकर आता हूँ। देखिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, देखिए एक इमेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा लड़की है जो, इसका केवल चेहरा मैं रखना चाहता हूँ और सब काटना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, क्रॉप का यूज करूंगा। तो क्रॉप पे क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। देखिए क्रॉप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हमें जितना काटना है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, अब कर देंगे क्रॉप। देखिए क्रॉप कर दिया, ये पूरा कट गया इमेज। इस तरीके से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज अब आती है रिसाइज की। ये रिसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस साइज की जो आपके रिसाइज का मतलब होता है कि ये इमेज की जो साइज है उसको कम या ज्यादा करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको रिसाइज करके देखते, सबसे पहले इसकी जो साइज है वो देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। देखिए रिसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 100 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। पिक्सेल आपका देखिए हमेशा जो भी होता है, ठीक है, आप अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे भी आपको पूछता है कि 50 KB का होना चाहिए, तो उस साइज आप यहाँ पे रिसाइज में आकर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये पिक्सेल है, अब क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे पिक्सेल चेंज करते हैं। सपोज मैं 150 पे करता हूँ, 100 पे करता हूँ, ओके करेंगे। देखिए ये इमेज की जो है रिसाइज हो गया है, यानी ये चेंज हो गया आपका। इस तरीके से आपका रिसाइज होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ रोटेट। रोटेट का मतलब इसको घुमाने का। अब इसको मैं घुमा सकता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री पे घुमा सकता हूँ, फिर रोटेट लेफ्ट में 90 डिग्री पे, उसके बाद आपका रोटेट 180 डिग्री पे, यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल में, इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल में, जिस तरीके से आप चाहें इस तरीके से आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर बात आती है टूल्स की। यहाँ पर इमेज की थोड़ा सा यहाँ पे पेपर की जो साइज है, वर्किंग एरिया की साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब टूल्स में देखिए है यहाँ पे क्या है, पेंसिल। तो यहाँ पे हम पेंसिल से पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कलर कोई चूज कर लेंगे, जैसे मैं रेड ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए पहले पेंसिल लिया, कलर चूज किया और यहाँ पेज साइज की, पेंसिल की साइज छोटा मोटा कितना बड़ा। अब यहाँ पे कोई पे भी आप क्या कर सकते, मैं देखिए मैं जल्दी जल्दी में काम कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसकी साइज थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं और मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर लीजिए आपका, ठीक है। तो इस तरीके देखिए मैंने मोटा कर लिया, और मोटा करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए साइज पे, यहाँ पे देखिए पेंसिल की साइज आपकी चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप
कोई भी इमेज की साइज आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए आपको समझ में आ गया होगा पेंसिल। अब दूसरी चीज आती है कि अब देखिए मैं इसको पूरा कैंसिल करके डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल करके। अब यहाँ पे देखिए ये बकेट है यानी कि फिल कलर, ठीक है, जो बकेट दिख रहे हैं एक फिल कलर। तो फिल कलर का मतलब क्या होगा कि देखिए मैं यहाँ पे इमेज कोई लेता हूँ, देखिए जैसे सिंपल सा मैं एक घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से बनाते रहिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर बनाने की बात हो तो। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, यहाँ पे देखिए शेप मैं अपने हिसाब से शेप ले रहा हूँ और शेप में लेकर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे विंडो बना देता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जो भी पेंसिल की साइज बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कलर चेंज करता हूँ, तो कलर के लिए यहाँ पे फिल कलर पे क्लिक किया। अब देखिए ये जो वॉल है वॉल को मैं कर लेता हूँ एक क्रीम कलर का, देखिए क्रीम कलर का, विंडो को मैं क्लियर क्लिक जो भी कलर लेना है ले लिया, फिर इसके बीच में कोई और कलर देना है तो कलर ले लिया। यहाँ पे इसकी छत का कोई कलर लगाना चाहते हैं जैसे कि मैं छत का कलर ऑरेंज लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये दरवाजे जो मेन गेट है इसका कलर मैं कर लेता हूँ इस कलर का, देखिए ये हमारा एक छोटा सा घर जल्दी से बनाया मैंने, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पे शेप लेकर। थोड़ा बहुत और कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से डिजाइन ले लीजिए, इसकी साइज थोड़ा सा पतला कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कोई एरो लेना चाहते हैं एरो ले लीजिए, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर लीजिए, इसके बीच में भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो बीच में कलर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, तो एक कोई भी शेप ले लीजिए, इस तरीके से शेप लेने के बाद कलर चेंज करिए। ठीक है, आप जब तक देखिए प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से आप बकेट लीजिए, शेप बनाइए, कलर फिल करते रहिए उसमें। ठीक है, जो भी कलर आपको सेट करना चाहते हैं कलर सेट करिए, कलर लीजिए, कलर फिल कर लीजिए, इस तरीके से कलर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रश यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रश ले सकते हैं, कोई भी ब्रश आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं कलर चूज कर लीजिए। ठीक है, ब्रश का मैं यहाँ पे दूसरा ये ब्रश ले लेता हूँ इस तरीके, देखिए इस तरीके से कोई डिजाइन, एक नया पेज लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैं ब्रश में आपका ये पहले सिंपल सा है, देखिए एक ब्रश इस तरीके से है, इसको चूज करता हूँ, ये इस तरीके से है, कलर आपका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कलर। ठीक है, देखिए रेड ले लिया, रेड हो गया, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ फवारे वाला, देखिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी कलर चूज करना चाहते हैं, जो भी ब्रश लेना चाहते हैं उस तरीके से ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपका यानी कि टूल्स भी क्लियर हो गया नहीं होगा, अभी देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है देखिए इरेजर, इरेजर का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, तो देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपकी क्लिक करेंगे रबड़ आपका मिटाने का काम कर रहा है, मिटा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है ये जो रबड़ है इसकी साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो रबड़ की साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल का बटन दबाइए, और कीबोर्ड की बात करो कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबाइए और प्लस का बटन दबाएंगे तो आपकी रबड़ की साइज जो है बड़ी होगी, कंट्रोल के साथ माइनस का करेंगे तो ये आपकी रबड़ की साइज छोटी होगी। और अब माउस का लेफ्ट क्लिक करके जिसको भी जहाँ से मिटाना चाहते हैं वहाँ से आप मिटा सकते हैं, देखिए इस तरीके से इसको जब माउस को ड्रा करेंगे तो आपका मिट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पिक कलर है और आपका ये मैग्नीफायर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अभी आपका जो है एक पहले तो इमेज लेता हूँ मैं, ओपन किया मैंने यहाँ पे कोई इमेज ले लेता हूँ, कोई सा भी एक इमेज मैं, चले मैं इसको सीपीयू का एक इमेज ले लेता हूँ, देखिए इमेज ले लिया हमने, इसको थोड़ा सा पेज की साइज को बढ़ा दिया मैंने। अब मैग्नीफायर का मतलब क्या हो, मैं पूरे इसको बड़े करके देखना चाहूँ तो मैं एक बार मैग्नीफायर पे क्लिक कर दिया, और जब मैं देखिए क्लिक किया, अब इस पर जब क्लिक करूँगा देखिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, जितना मैं क्लिक करूँगा ये बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक,
राइट क्लिक करेंगे छोटा होगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा। देखिए राइट क्लिक छोटा, लेफ्ट क्लिक बड़ा, इस तरीके से। ये मैग्नीफायर को यानी कि जूमिंग का काम करता है, बड़े इमेज को पूरे बड़े में करके देखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका पिकर है, कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें होती है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। देखिए मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं एक शेप लेकर इसमें मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक और शेप लेकर इसमें फिल करना है। अब यही कलर जो है ये सेम कलर, देखिए यहाँ पे कलर कोई चूज अलग कर लीजिए, देखिए कलर वन में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है रेड कलर, ये कलर हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है और यही कलर हम चाहते हैं कि इसमें भी फिल करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और इस पे कहीं पे भी एक क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे क्लिक किया आपने, कलर वन पे सेट हो गया। अब यहाँ पे फिर पिकर से लेकर यहाँ पे फिल कर देंगे, वही कलर उठकर सेम इसी में आ गया। तो इस तरीके से एक देखिए कब होता है, जब कोई सारे इमेज हम लेते हैं बनाए रहते हैं तो वहाँ से कलर पिकर का काम करते हैं, कलर पिक करके, क्योंकि वो कलर हमारे सिस्टम में होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने टूल्स भी बता दिया, शेप भी बता दिया, कलर भी आप चूज कर सकते हैं। एडिट कलर में जाकर आप कोई सा कलर एडिट करके यानी दो तीन कलर ले लीजिए। ठीक है, जैसा कलर आप चाहते हैं यहाँ पे बनाना चाहते हैं उस कलर बनाकर ओके कर दीजिए, वो कलर आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको होम मेनू क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल करेंगे आप आराम से डिजाइन बनाना, मैंने घर आपको शॉर्टकट में बनाना बता दिया, एक थोड़ा सा चूहा भी बनाने के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, आप माउस को सेट करके हाथों से प्रैक्टिस करिए, आराम आराम से बनाएंगे तो जल्दी आपका बनने का इजिली काम होगा। अब देखिए व्यू में चलते हैं, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू में क्या है, सेम आपका तीन बटन, जूम, शो और हाइड, डिस्प्ले। अब देखिए जूम में क्या होगा, ये जूम इन होगा यानी कि आपका बड़ा होगा, जूम आउट में आपका क्या होगा छोटा होगा, 100% कर देंगे 100% पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में वर्डपैड में भी बताया था, सेम सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं या आप शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आपका माउस का जो होता है स्क्रॉलिंग बटन, नीचे करेंगे तो जूम इन होगा, ऊपर करेंगे ड्रॉ तो आपका जूम आउट होगा। अब जो बात आती है आपका शो और हाइड का, सो हाइड में आपका रूलर सेट कर सकते हैं, ग्रिड लाइन सेट कर सकते हैं, स्टेटस बार पे क्लिक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेंट में रूलर और ग्रिड लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेट करना तो आप सेट कर सकते हैं। देखिए रूलर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका रूलर आ गया, तो आप इस तरीके से रूलर ला सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। देखिए जैसे मैं रूलर पे चेक मार्क ऑन कर रहा हूँ तो देखिए रूलर आ गया, स्केल में आपको इसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, ग्रिड लाइन आपका रो और कॉलम के रूप में देखिए कॉलम ग्रिड लाइन बन गया। ठीक है, देखिए एक ग्रिड लाइन की आवश्यकता कब होती है, जब हमें इस पर कोई डिजाइन पेंसिल से बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल से बनाना हमें लाइन खींचना है, तो आप यहाँ पे साइज थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप देखिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो आप इस तरीके से लाइन आपको इस तरीके से पकड़कर आप ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं, बाद में जब कल डिजाइन आप बना लेंगे तो ग्रिड लाइन को बंद कर दीजिए, यहाँ पे हटा लीजिए। ठीक है, ये ग्रिड लाइन आपका। उसके बाद देखिए फुल स्क्रीन का मतलब, ये जो आपने इमेज बनाया था ये पूरे डेस्कटॉप पे फुल स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन पे होगा। इसको कैंसिल करेंगे, स्कैप बटन क्लिक करेंगे, सब कीबोर्ड से सबसे पहली बटन स्कैप, ये आपका हट गया। थंबनेल में आप क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका थंबनेल का एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपका जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब भी आप थंबनेल के रूप में दिखाई। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब थंबनेल देखिए, थंबनेल जब हमारा एक ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसको मैं जैसे मैं बड़ा करूँगा तो बड़ा करूँगा तो देखिए हमारे छोटे से इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। यानी इसका देखिए यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस सीपीयू पे अगर कहीं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको बड़ा करेंगे तो इसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका थंबनेल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोग पेंट की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेंट आप इसको प्रिंट का आप घर पे लैपटॉप कंप्यूटर से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे मोटे डिजाइन बनाना स्टार्ट करिए, अपना कोई एक
कॉपी ले लीजिए, वहाँ पे देखिए कॉपी में कोई ड्राइंग का डिज़ाइन जो देखिए उसे माउस से बनाने की कोशिश करिए। इससे आपका देखिए प्लस पॉइंट होगा कि आप माउस को चलाना भी सीख जाएंगे, माउस भी आपके हाथों पे अच्छे से सेट हो जाएगा चलना, ठीक है। चलिए आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।